जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारे क्लासेस बीच में बंद करने पड़े और कुछ चैप्टर्स बाकी रह गए थे, तो अभी लॉकडाउन खत्म होता है तो फिर हम वहां से 12th चालू करेंगे। तो अभी जो 11th के चैप्टर्स बाकी रह गए हैं उनको हम कवर अप कर लेते हैं। तो हमारा चल रहा था SHM, और SHM में हमने पढ़ रखा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन SHM। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में हम आज दो चीजें देखेंगे। एक तो पहली चीज ये कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है, और दूसरी चीज ये कि एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड इन अ सिंपल पेंडुलम। अब एक्सप्रेशन इन टाइम पीरियड, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड वाले टॉपिक में हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। अभी थोड़ा सा हम देखते हैं क्या होता है एक सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हम सब जानते हैं कि व्हाट इज अ पेंडुलम। वही एक स्ट्रिंग लगा रहता है, उसके नीचे एक बॉब रहता है और वो इस तरीके से हिलते रहता है, जिसको कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंसिडर करते हैं। कब? जब थीटा स्मॉल हो। SHM आपको पता है ना, व्हाट इज SHM? टू एंड फ्रो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड SHM। टू एंड फ्रो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर ये ऐसा होगा टू एंड फ्रो तो हम इसको SHM नहीं कहेंगे। लेकिन यहां पे तो ऐसा ही होता है, तो हमने आपको बताया था कि क्यों इसको SHM बोलते हैं, क्योंकि एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर आप इसको लेके देखो, एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए देखो, तो ये वाला जो रास्ता होगा नियरली एक स्ट्रेट पाथ की तरफ होगा। तो आज हम देखते हैं कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में देखते हैं क्या होता है एक सिंपल पेंडुलम। अब इसका डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिख के भेजा होगा, और ये सारे नोट्स हमने देख रखे हैं, पढ़ रखे हैं, सारा नोट्स कर लिया हमने। बस आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, बस आपको अपना नोट्स खोलना है, और खोल के उससे में समझना है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखते हैं उसमें कि क्या होता है SHM, सॉरी सिंपल पेंडुलम। इसमें डेफिनेशन मैंने लिखवाया कि एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पॉइंट मास बॉडी सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंजिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट अबाउट विच इट इज फ्री टू ऑसिलेट। पेंडुलम हम सब जानते हैं क्या होता है, सबने घड़ी देख रखा होगा, ऐसा जो हिलता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम बोलते हैं। या आप इस मार्कर को थोड़ी देर के लिए मैं किसी चीज में अगर बांध दूं और बांध कैसे हिलाऊं, वो भी क्या हो जाएगा? पेंडुलम हो जाएगा। तो ये स्पेशल कैसे है? ये स्पेशल इस तरीके से है कि देखिए, इसमें हमने लिखा है कि जो नीचे वाला जो बॉब होना चाहिए, जिसको हम बॉब बोलते हैं, जो नीचे की तरफ रहता है, वो पॉइंट मास होना चाहिए। पॉइंट मास, समझते हैं? पॉइंट मास। दूसरी चीज कि जो स्ट्रिंग का वेट होना चाहिए, यानी कि जिस चीज से वो झूल रहा है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग का मास नहीं रहना चाहिए, स्ट्रिंग वेटलेस होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा पेंडुलम हमको मिलता है तो हम उसको सिंपल पेंडुलम बोल सकते हैं, अन्यथा उसको सिंपल पेंडुलम नहीं बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम ये मेरे पास एक रस्सी है, इस रस्सी में मैंने ये अपना मार्कर ऐसे ये कर दिया, और ये मैं इसको ऐसे हिला रहा हूं, तो ये पेंडुलम तो बन गया, पेंडुलम बन गया। लेकिन क्या मैं इसको सिंपल पेंडुलम बोल सकता हूं? अब सिंपल पेंडुलम के कंडीशंस क्या है? पहली चीज तो ये कि इसका जो बॉब होना चाहिए, इसका मास पॉइंट मास होना चाहिए। पॉइंट मास है? बिल्कुल पॉइंट मास नहीं है, इसका पूरा मास एक रीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी बात यह कि ये स्ट्रिंग वेटलेस होनी चाहिए, जो कि नहीं। इस स्ट्रिंग का, इस धागे का कुछ ना कुछ मास होता है। तो बच्चों, हम एक सिंपल पेंडुलम रियल लाइफ में ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। इट इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, या पूर्ण तरीके से एक काल्पनिक बात होती है सिंपल पेंडुलम की। जैसे एक स्क्वायर, अगर मैं आपको बोलू कि मुझे एक स्क्वायर लाके दो, आप स्क्वायर लाके दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। रेक्टेंगल नहीं दे सकते हो, आप क्यूब दे सकते हो। फिक्शनल स्टोरी, एक काल्पनिक चीज है, इसी पर कुछ पढ़ाई लिखाई होती है, वो देखेंगे हम आगे। और जो हमारे रियल लाइफ में जो पेंडुलम यूज होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम, उसमें इसके बाद के लेक्चर्स में वो पढ़ाया जाएगा, पहले आप ये देखिएगा। अब इसका मैंने देखो क्या कर दिया है, ये इस तरीके से कुछ ये इसका डायग्राम बनाया है। ये देखो, ये बॉब है, ये कुछ ऑसिलेट कर रहा है, ये चीज। दूसरी बात,
दूसरी बात क्या होती है सिंपल पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम के बाद ये इसका डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, आप सबने लिख भी लिया था। अगला जो था इसमें डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाया था अगला डेफिनेशन, बहुत सारे इमेजेस पीछे चले गए हैं इसकी वजह से लेट। हाँ, अगला लिखवाया था मैंने कि लेंथ ऑफ पेंडुलम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। आइए इसमें देखते हैं कि किसी भी पेंडुलम का लेंथ किसको बोलते हैं, एल ई एन जी टी एच, लेंथ ऑफ पीई एन डी यू एल यू एम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। इसके बारे में लिखवाया था कि द डिस्टेंस, द डी आई एस टी ए एन सी ई, डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एस यू एस पी ई एन एस आई ओ एन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, ओ एस सी आई डबल एल ए टी आई ओ एन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम। यानी कि किसी भी पेंडुलम की लंबाई क्या होती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम के बारे में कहा जाता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, व्हाट इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, तो जिस जगह से इसको लटकाया गया है, सस्पेंड किया गया है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहां पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हमारा क्या है, S, वेरी गुड। यहां पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है, S इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब अगला सवाल ये कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन क्या होना चाहिए, तो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन वह पॉइंट होनी चाहिए जहां पे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन आपको याद है मैंने बताया था, किसी भी चीज का पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन में आप पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है यहां से यहां जा रही है, फिर यहां से यहां जा रही है, फिर यहां से यहां जा रही है, फिर यहां से यहां जा रही है, तो इसमें वो पॉइंट जहां पे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम पोजिशन में हो जाए, बिल्कुल उस पर फोर्स ना लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, या जिस पॉइंट के थ्रू वो ऑसिलेट करती है उसको हम पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। तो यहां पे अगर आप एक सिंपल पेंडुलम की बात करें तो यहां पे पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन वह पॉइंट होगा जहां पे की बॉडी इक्विलिब्रियम पोजिशन में रहे। इक्विलिब्रियम पोजिशन अब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजिशन इज दैट पोजिशन वेयर There is not any kind of external force, जहां पे भी किसी भी प्रकार का external force नहीं लगे उसको हम क्या बोलते हैं, equilibrium position बोलते हैं। तो एक bob में, sorry, एक pendulum में equilibrium position कहां पे होता है, सोचो जरा, सोच के बताओ कि एक pendulum में equilibrium position कहां पे होता है। जैसे मान लो कि मैं इस चीज को ऐसे किसी भी चीज को घुमा रहा हूं, ऐसे ये रहा ये धागा हमारा, ये मेरी मच्छरदानी का धागा है देखिए ये मान लेते मैंने इसको यहां से घुमाया, ऐसे मैं इसको घुमा रहा हूं, इस तरीके से ये घूम रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे होना चाहिए, आप एक बार नोटिस करो, यहां पे जाएगा इस पे फोर्स लग रहा है, यहां पे आ रहा है फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, सस्पेंशन पॉइंट के जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, और वहां पे कोई फोर्स नहीं लगता। तो यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका क्या होना चाहिए, यहां से जस्ट इसके नीचे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, और यहां से यहां के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो इतनी बात समझ में आ गई, क्या होता है एक सिंपल पेंडुलम, क्या होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, क्या होता है सिंपल पेंडुलम, फिजिकली आपको नहीं मिल सकता है, ये क्या है, कल्पना है, ये एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन इसलिए है क्योंकि हमको पॉइंट मास का कोई ऐसा बॉब नहीं मिल सकता है। हम पूरे धरती पे घूम ले, किसी भी दुकान पे चले जाए, अगर आप जाके मांगो कि वेटलेस धागा दे दो, आपको नहीं मिलेगा। चलिए,